हमसे सो रहा है? सर 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 चुपचाप थाने चल। सर हमें कुछ नहीं पता सर। हाँ बैठ चल पहले। सर हमें सच में कुछ नहीं पता। सर हमें कुछ नहीं किया सर। सर छोड़ दीजिए सर हमें। छोड़ दीजिए ना हमें। सर सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर सर मैं अपने डैडी का इकलौता बेटा हूँ सर। सच क्या है मैं बता देता हूँ सर। प्लीज सर 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 सच क्या है मैं पूरी बात बताता हूँ सर। सर ये सच बताने को तैयार हो गया। अब ये जो भी बताएगा सुनते हैं सर। ये कौन सा स्टाइल है बे? हाँ अपने बाप का इकलौता बेटा है क्या? ये सब स्टाइल करके तुम लोग कॉलेज में पढ़ने जाते हो, फालतू का शौक पूरा करने जाते हो? हाँ बोल क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स कॉलेज खत्म करने के बाद एक बार में पार्टी कर रहे थे सर। क्या लेकर आऊं भैया? एक डीएसपी ब्लैक और अचार लेकर आना। ढक्कन कौन है बे? वो हमारे एरिया में चोटी पूरा स्टाइलिश है। दिखाता हूं मैं अभी उसको उसका स्टाइल। महर्षि 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 इसका नाम मोहम्मद है। हाँ इसका बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ये सही नहीं है महर्षि। नहीं चल चलते हैं। चलो बस इतना ही हुआ था सर। उसके बाद वो कैसे मरा मुझे सच में नहीं पता है सर। प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। हमें छोड़ दीजिए सर। सर इस केस के बारे में एक वीडियो मिला है, देखेंगे? वो एक नंबर का हरामखोर है साला। मुझे चाकू मार कर गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो बैंडेज लगा लेता हूँ। सर मैं आपसे शाम को 5 बजे के बाद मिलूंगा। ये बेल्ला कौन है? अगर मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया तो 5757 पे SMS करना। शिकार करता हूँ मैं शिकार, हर हर शंकरा। शिकार करता हूँ मैं शिकार, रहता नशे में निरंतरा। सर मैं आपसे शाम को 5 बजे के बाद मिलूंगा। ये बेल्ला कौन है? सर इससे बेल्ला एलियास भागीरथ, कैट आइज, कॉलेज किंग, ये सब नाम थे सर। सर ये भी कॉलेज स्टूडेंट है। मंडिया में इसकी बहुत चलती है सर। इतनी कम उम्र में इतना नाम कैसे किया इसने? इस फील्ड में उसके आने का कारण क्या है? सर इसका ब्रांडेड एटीट्यूड है। एक दिन जब कॉलेज में क्लास चल रहा था तब लेक्चरर के सामने ही ये बियर पी रहा था। इस बिल्ला का नाम रवि की लिस्ट में कैसे आ गया? सर मंडिया में एक श्रीकांत शिवा नाम का आदमी है। उसके पास लकड़ी काटने की मशीन है और उस गांव में उसका बहुत दबदबा भी है। ये श्रीकांत शिवा जो है इल्लीगली पेड़ों को काट कर बाहर के देशों में बेचता है सर, और इस तरह ये बड़ा आदमी बन गया। बिल्ला का घर और श्रीकांत का घर अगल बगल में है सर। ये शिवा का भरोसेमंद आदमी है। श्रीकांत जो इल्लीगली पेड़ काट रहा है उसे रोकने के लिए SP सिन्हा साहब रेडी हो जाते हैं सर।
एसपी सिन्हा की वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है। हमारे गांव, हमारे जमीन, हमारे जंगल में ही आकर हमारे पेड़ों को कह रहा है मत काटो। ये कैसे हो सकता है? दिखाता हूँ उसे कि आखिर मैं कौन हूँ। अगर ये कम लगा तो तुझे और मिल जाएगा, लेकिन हमारे श्रीकांत शिवा की तरफ देखना भी मत। चुपचाप चले जा बे बेला। तुझे क्या लगता है मैं पैसे में बिक जाऊंगा? वो एसपी सिन्हा यहाँ पर जब तक रहेगा ना, तब तक हमारे घर पर कभी भी खुशी नहीं रहेगी। अगर मैंने तुझसे पैसे लिए ना, तो एसपी सिन्हा का इमेज खराब हो जाएगा। लोगों को लगेगा बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। हमारे घर पे खाना खाने के लिए तकलीफ है तो वो साला गार्डन गार्डन में खेल खेल रहा है। तेरी कहानी आज खत्म करता हूँ शिवा। नहीं शिवा, 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 ए! सिन्हा साहब को उसने मार डाला और वहीं से बेल्ला की गुंडागर्दी शुरू हो गई। सर, बेल्ला के साथ जो रहता है उसका नाम क्या है? सर, वो गूगल है। बेल्ला के लिए वो अपनी जान भी गंवा सकता है। वो जो भी काम करता है, जो भी डील करता है, उसमें वो उसका अंगरक्षक होता है। सर, सर ये कॉलेज में पढ़ने वाली करवी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। सर, प्यार में ब्रेकअप होने के बाद वो किसी भी लड़की को पटाकर उसके साथ एंजॉय करके उसको छोड़ देता है। ये बेल्ला अभी कहाँ होगा? उसे देखना पड़ेगा। अरे रघु, देखो सामने से कोई कार आ रही है, उसे रोको। जी सर। सर, बेला का कार है सर। ठीक है, उसे जाने दो, उसके मैटर में क्यों पड़ते हैं। ठीक है सर, जाने दो। सर वैसे आप किसी से डरते नहीं, पर बेला के नाम से क्यों डरते हैं सर? अरे ये बहुत बड़ी कहानी है, बिल्ला यही है, ये मुझे भी नहीं पता था। क्यों सर? एक दिन मैंने इसे रोका तो इसने मुझे भी धमकाया। किसकी गाड़ी पकड़ी आपको पता है क्या? तुम कोई भी हो, उससे मुझे क्या करना? गाड़ी का डॉक्यूमेंट लाकर मुझे दिखाओ बस।
गाड़ी का नंबर प्लेट ऐसा क्यों है बताओ? ऊपर से हिंदी में है। चलो चलो फाइन कटवाओ फाइन। अपना नंबर प्लेट हिंदी में नहीं तो क्या उर्दू में होगा क्या? और नंबर प्लेट के लिए फाइन मारेगा तो पैसों के लिए एक मिनट में माँ की साड़ी भी खुलवा कर तुम लोग बेच देते हो और उस साड़ी को बगल वाली आंटी को पहनाते हो और फिर उसके साथ मजा करने वाले कमीने हो तुम लोग। हिंदी में नंबर प्लेट रहेगा तो फाइन मारेगा क्या? क्या हो गया हमारे सिस्टम को? हेलमेट नहीं होने पर 500 के बजाय 5000 फाइन मारते हो तुम लोग, 200 रुपए का 2000 करते हो तुम लोग। अगर टोल बंद करने के लिए कहा तो अगर वहीं कोई पीएम या सीएम आने वाला होगा तो रोड बंद करके तुम लोग जनता को अपना बिल्डअप दिखाने लगते हो। बेचारी जनता इधर से उधर उधर से इधर गटर में गिर कर मरती रहती है, कोई पूछता तक नहीं है। अगर यही करते रहे ना तो एक दिन जनता चप्पल से मारेगी। अगर आप में हिम्मत है ना तो वीआईपी व्हीकल्स चेक करो, लेकिन उसे चेक करने की हिम्मत तो है नहीं तुम्हारे अंदर। फटती है तुम लोगों की। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदी से प्यार करता हूँ। अपना नंबर प्लेट हिंदी में लगाकर मूछें ऐड कर कॉलर उठाकर छाती चौड़ा करके जय 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 हिंदी हिंदी में नंबर प्लेट लगा करके घूमूंगा मैं, समझे? तुम लोग को जो करना है कर लो।